गया शहर के गोड़िया मठ मंदिर में श्री कृष्ण भगवान को आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चंदन का लेप से श्रृंगार किया गया। शहर में भीषण गर्मी से भगवान को निजात दिलाने के लिए मंदिर के पुजारी उत्तम श्लोक दास ने चंदन का लेप श्लोट पर घिसकर लेप बनाकर लगाया। यह परंपरा 21 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। लॉकडाउन की वजह से मंदिरों में श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करने से वंचित रखा गया है। लोग श्रृंगार में नहीं शामिल हो रहे हैं। गया के गोड़िया मठ मंदिर 1936 में निर्माण कराया गया था। हेड ब्रांच कोलकाता में स्थित है। इस संदर्भ में मंदिर के पुजारी श्लोक उत्तम दास ने बताया कि आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन श्री कृष्ण भगवान को चंदन का श्रृंगार होता है। यह परंपरा जब से गोड़िये मठ मंदिर है 1936 में निर्माण हुआ है उसी समय से चली आ रही है। गोड़िया मठ का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। 1918 में गोड़िया मठ प्रतिष्ठान हुआ था। बीटी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। जी बाबा, अक्षय तृतीया है, क्या महत्व है आज का दिन? आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन से कृष्ण भगवान का चंदन का श्रृंगार होता है, चंदन का लेपन होता है। और ये परंपरा तो जब से मंदिर हुआ है गौड़िया मठ में, गया में, हम 1936 में, उसी समय से चली आ रहा है। ये गौड़िया मठ का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। 1918 में हुआ था गौड़िया मठ का प्रतिष्ठा मिशन का। ये परम्परा तो चैतन्य महाप्रभु के जी का जो गुरु जी का गुरु जी है माधवेंद्रपुरी पर, उनके समय से ये चंदन श्रृंगार का परंपरा चली आ रहा है 500 साल से पहले से। और ये लगाने का मतलब होता है कि भगवान का शरीर को शीतल करने के लिए, गर्मी से राहत के लिए। ये आज से शुरू होता है, 21 दिन चलता है। 21 दिन चंदन का श्रृंगार होगा, हर रोज़ नया नया श्रृंगार होगा। दोपहर को हम लोग 2 बजे से लगाता है लगभग, और शाम को 6 बजे दर्शन होता है भक्त लोग के लिए। इस साल कोरोना वायरस की वजह से मंदिर का मेन गेट बंद है, और बाकी तो आम श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रतिबंध है, लोग के दर्शन के लिए बंद है। मतलब मंदिर का जो नियम परंपरा जो पूजा पाठ चल रहा है ऐसा ही होता है। सुबह जैसा सवेरे मंगल आरती होता है 4:30 बजे, फिर भोग लगता है, मंदिर परिक्रमा होता है, फिर दोपहर को आरती होता है, पूजा होता है, फिर शाम को चंदन श्रृंगार होता है, फिर 7 बजे परिक्रमा होगा, फिर 7:30 बजे संध्या आरती होगा। ये सब मंदिर का जो मतलब जैसा रथ यात्रा जन्माष्टमी वगैरह होता है उत्सव, ऐसा चंदन यात्रा भी महोत्सव 21 दिन का उत्सव होता है।